दोस्तों, बचपन में कभी ना कभी आपने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा जरूर होगा, तो आपके मन में यह शंका होगी कि इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होते हैं। वास्तव में बात कुछ ऐसा है कि इतिहासकारों ने प्रमुख रूप से कालखंडों को तीन भागों में बांटा है। इतिहास के कालखंडों को तीन भागों में बांटा है, जिसमें पहला आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। अब जानते हैं इनकी परिभाषा कि क्या और किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस समय के काल को कहा जाता है जिस समय मानव रहते थे, परंतु इसका कोई लिखित प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। मानव निवास करते थे यह सिर्फ कहा जाता था, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिल पाया है, इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, दूसरा आता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल उस समय के काल को कहते हैं, यानी कि उस समय के इतिहास को कहते हैं जिस समय मानव निवास करते थे और उसका लिखित प्रमाण भी मिला है। ठीक ना, लिखित साक्ष्य भी मिला है, परंतु उन प्रमाणों को, उन साक्ष्यों को, उन दस्तावेजों को कोई भी इतिहासकार अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया है, तो इसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है हमारा तीसरा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल उस समय के काल को कहते हैं जब मानव ने पूरी तरह पढ़ना लिखना सीख गए थे और उनके इतिहास में रहने के प्रमाण भी मिले हैं और उन प्रमाणों को इतिहासकार पढ़ने में समक्ष भी हो चुके हैं, यानी कि उन इतिहासकारों द्वारा उनके साक्ष्यों को पढ़ लिया गया है, तो इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो यह प्रमुख रूप से थे तीन काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आपको यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं हम आपसे एक न्यू जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़िए और आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा।